अर्चना स्वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे लादी पाव कहते हैं और इससे वड़ा पाव बना सकते हैं, पाव भाजी में यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो पाव कभी नहीं बिगड़ेंगे। जो तरीका मैंने बताया है यही तरीके से आप बनाइए। देखिए कितने सॉफ्ट हैं। तो आप पूरी रेसिपी देखिए और ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। पाव बनाने के लिए हमने दूध लिया है। दूध को एकदम गुनगुना सा गर्म किया है। इतना गुनगुना होना चाहिए कि हमारी उंगली उसमें डाले तो जले ना। तो गुनगुना दूध लेना है और उसके अंदर एक चम्मच हमें शुगर डालनी है। बराबर एक चम्मच ही शुगर डालना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं डाले। और एक ही चम्मच बराबर का ही ईस्ट डालना है। एक चम्मच भर के ईस्ट डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके हमें इसको 10-15 मिनट रख देना है। 20 मिनट बाद में ऐसे फूल जाता है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर ये सब नाप है ये डाल देंगे। हमने ये 2.5 कटोरी मैदा लिया हुआ है, थोड़ा सा नमक लिया हुआ है। नमक कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और हमारे पाव सॉफ्ट बने इसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। नहीं डालना है, नहीं है तो नहीं भी डालिए, कोई बात नहीं है। तो मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया और इसमें मैदा डाल देती हूँ। और यदि ईस्ट से आपको ईस्ट यूज़ नहीं करना है तो आप दही से आटा गूंदे और 1 टेबल स्पून उसमें बेकिंग पाउडर डालें और 1 टीस्पून उसके अंदर बेकिंग सोडा डालें। अब हम आटा गूंद लेते हैं। तो पहले हमें जो ये पानी है इसका, इससे ही हमें आटा गूंदना है। और ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसमें दूध लिया हुआ है, दूध भी हमने गुनगुना सा लिया हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। और इन सबको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे। कभी कभी मैदा के अनुसार पानी ज़्यादा भी लगता है। आप चाहे तो इसे पानी से भी गूंद सकते हैं। और पाव अक्सर दूध से गूंदेंगे तो ही अच्छा सॉफ्ट बनेंगे वो, वैसे पानी से भी गूंद सकते हैं। ईस्ट डाल दिया, अब हम इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे। तो ये 1/2 कप में पूरा दूध डाल देती हूँ, ये लग जाएगा इसमें। क्योंकि इसका हमें मुलायम आटा गूंदना है। और आटे को हमको तब तक हमें मसलना है जब तक ये हाथ से छूटे ना। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर, दूध भी और नहीं डालना है। जितना हमने दूध लिया था उतना इसमें बहुत हो गया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से कम 20 मिनट तक इसको ऐसे ही मसलेंगे। चाहे तो इसे कोई फ्लैट सरफेस हो उस पे मसलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं हमेशा फ्लैट सरफेस, मेरा किचन प्लेटफॉर्म है, मैं उसी के ऊपर मसलती हूँ। तो थोड़ा इसको मैं थोड़ी देर इसमें मसलूँगी और फिर मैं इसको किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके डाल दूँगी और उसको खूब मसलूँगी। तो उसको मसलने का तरीका भी होता है। एक हाथ से हम मैदा को ऐसे पकड़ लेंगे और दूसरे हाथ से आगे लेंगे, फिर उसको पीछे से आगे लेंगे। तो ब्रेड और पाव बनाने का ये एक सीक्रेट तरीका है। यदि आप अच्छी तरह से इसको इस तरीके से मसल लेंगे तो पाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। बस यही एक तरीका फॉलो करना है, जितना हो सके उतना हमें इसमें मसलना है। लेकिन लगातार 20 मिनट तक इस तरीके से मसलना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसे तब तक मसलें जब तक हमारे हाथों से मैदा छूट ना जाए। तो यदि आप मसलते मसलते आप देखेंगे कि मैदा अपने आप हाथों से छूट रही है तो 20 मिनट हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये कुछ कुछ मैदा पर भी डिपेंड होता है। अभी देखिए 7 मिनट भी नहीं हुए हैं और अभी से मैदा हाथों से छूटने लगी है। इसको मैं थोड़ा और मसलूंगी और उसके बाद मैं इसको गोल बना के मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। और रखना भी कम से कम हमें 1 घंटे के लिए रखना है। और या फिर इसे किसी
ट्रांसपेरेंट बर्तन में रखिए, कांच के बर्तन में, ताकि आपको दिखता रहे कि ये मैदा आप फूल गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घंटे ही रखो इसे। जब मैदा आपका डबल हो जाए तब हम पाव बना सकते हैं। तो देखिए ये मसलते मसलते, वैसे 20 मिनट का प्रोसीजर रहता है, लेकिन मेरा बहुत जल्दी ये मैदा अच्छा हो गया है। आटा मिल गया है, देखिए इस तरीके से ये आटा, फटा हुआ आटा ऐसे नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से चिकना सा आटा होना चाहिए। तो हम ऐसे अंदर की साइड समेटते हुए हमें इसको रोल बनाना है, गोला। अब जिस बर्तन के अंदर हमने आटा को गूंदा था उसके अंदर ही हम इसको ऐसे रख देंगे, और ऊपर से इसको हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे, बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें ऊपर से थोड़ा घी का हाथ लगा देती हूँ ताकि सूखे ना, और इसको ऐसे लपेट देती हूँ घी के अंदर। बटर भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, और दूध भी लगा सकते हैं। तो मैंने ऊपर से घी का लगा के और इसको घी चपड़ के ऐसे अब मैं इसको रख दूंगी जब तक ये डबल ना हो। करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम इसको खोल के देखते हैं और इस तरीके से ये फूल जाता है। तो अब हमको हमें इसको पंच करना है, पंच करना है यानी इसको हमें थोड़ा दबाना पड़ेगा। तो हम ऐसे हाथ से ही इसको दबा देंगे, और दबा के हमें थोड़ी देर इसको फिर से प्लेटफॉर्म पे रख के इसको हम मसलेंगे। अब हमें ज़्यादा देर तक नहीं मसलना है क्योंकि हमने पहले अच्छी तरह से इसको मसल लिया था। तो थोड़ी देर हम इसको मसलेंगे और इसका एक चिकना सा गोला बना लेते हैं। बस जो इसमें फूल गया था ना, जिसकी हवा भर गई थी इसमें खूब सारी, तो हमें इस तरीके से इसकी हवा को निकालना है फिर से। अब हम इस तरीके से अंदर इसको करते हुए और एक बड़ा सा गोल बना लेते हैं, और इसको हम ऐसे रखेंगे, और इसके हमें इस तरीके से ऐसे टुकड़े करने हैं। यदि हम पाव बना रहे हैं तो यदि हम ऐसे इस तरीके से टुकड़े करेंगे तो सारे पाव हमारे एकदम सेम साइज के बनेंगे। तो इस तरीके से हम सबको राउंड राउंड कर लेते हैं, और बेकिंग ट्रे जिसमें हमें बनाने हैं तो उसको हमने थोड़ा ग्रीस कर लिया है। ग्रीस किसी से भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बटर से ही करो। और यदि बटर पेपर आपके पास में है तो नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हो, और तेल से भी ग्रीस कर सकते हो। ये सब हमने इसमें जमा दिए हैं, और अब हम इसको 25-30 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। ओवन को मैंने 250 डिग्री पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, 20 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है मैंने। अब हम इसको खोल के देखेंगे, 30 मिनट हो गए हैं, तो ये इस तरीके से फिर से फूल जाता है। अब हम इसको जो हमने प्रीहीट किया था ओवन, उसके अंदर हम इसको रख देते हैं। टाइम हम सेट कर देते हैं 20 मिनट का, और 150 डिग्री पर इसको सेट कर देते हैं। अब पाव हमारे थोड़ी देर में पूरी तरह से सिक जाएंगे, बस 3-4 मिनट और है। पाव हमने बाहर निकाल दिए हैं, और इसके ऊपर ना थोड़ा बटर लगा देते हैं, और बटर लगा के एक बार ओवन में हम 2 मिनट के लिए और रख देंगे। इससे क्या होता है, थोड़ी शाइनिंग आ जाती है ऊपर। पाव हमने निकाल लिए हैं, देखिए पाव कितने अच्छी तरह से अच्छा कलर आया है ना इसमें। अब ये गर्म है तो थोड़ा ही ठंडा हो जाए, और फिर हम इसको बेकिंग ट्रे से इसको अलग निकालेंगे। अब ये थोड़े ठंडे हो गए, इसको हम पलट लेते हैं। इसको ऐसे लेंगे और इसको पलट लिया, और ये अच्छी तरह से निकल जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से निकल गए, और ये देखिए कितने अच्छी तरह से पाव बन गए। देखिए कितने परफेक्ट पाव बन के तैयार हो गए हैं,
और ये एकदम मुलायम है। ये देखो एक हमने निकाला है, ये देखिए कितना ये मुलायम पाव है। तो इस तरीके से आप ज़रूर पाव बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।